cool. These brothers my guys. Know that we fly. Know that they ride or die. इन दोनों में अगर सबसे पहला पॉइंट को लेते हैं अपन, तो लेते हैं वो रिलोडिंग प्रोसेस। तो दोनों में नॉर्मली लोडिंग प्रोसेस का जो टाइम है ना, टाइम दोनों लगभग समान लेते हैं, मतलब लगभग टाइम दोनों इक्वल लेते हैं। अब जैसे इसको रिलोड किया, इसको आगे पुश किया, तो अभी रिलोड हो गई। ओके, और इसका ये अपन ने, इसमें एक लॉक प्रोसेस है, ठीक है, इसको अपन ने अनलॉक किया और ये शूट। ओके, अब जो इसका रिलोड प्रोसेस है ना, इसमें क्या है, अपन को थोड़ी पावर ज़्यादा लगती है। ये लुक, ये हो गया रिलोड। ओके, तो अब अगर इन दोनों में रिलोड की बात करें ना, तो ब्लैंका में अपनी पावर कम लगती है रिलोड के लिए। जैसे ब्लैंका इजीली रिलोड हो जाती है, अगर अपन ज़्यादा पावर ना लगाएं तो ब्लैंका इजीली रिलोड हो जाती है। और जो दूसरी वाली अपनी एयर पिस्टल है, उसको रिलोड करने में उनका पावर ज़्यादा लगती है। तो और टाइम तो लगभग दोनों बराबर लेते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा पॉइंट बात करें अपन एम की, तो एम के लिए मैं हमेशा ब्लैंका को ही रेफ़र करूँगा गाइस। एम के लिए अगर आप किसी भी गन को लेते हैं, नॉर्मल जो एयर पिस्टल होती है, CO2 वेपन्स के अपन बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जो नॉर्मल एयर पिस्टल होती है, उसके लिए ब्लैंका का जो एम है ना, वो दी बेस्ट एम है भैया। सबसे बढ़िया एम देती है ब्लैंका अपन को, सबसे बढ़िया एम, बहुत बढ़िया इसकी एक्यूरेसी है। और वहीं अगर इस वाली अपन एयर पिस्टल की बात करें, तो इसका एम तो लगभग ठीक है, पर उतना अच्छा नहीं है कि अपन एम की प्रैक्टिस के लिए इसे लें, क्योंकि इसमें पैलेट डलते हैं और पैलेट थोड़े हवा में थोड़ी सी अगर इसकी रेंज से आगे जाते हैं तो वो हिलने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ हो जाता है, अपना एम थोड़ा मतलब 19 मिस हो जाता है। तो एम में तो ब्लैंका बेस्ट है। और अगर अपन लुक वाइज इनको देखें, जैसे अगला पॉइंट अपन लेते हैं लुक का, तो लुक में ये अगर आप ऐसी गन किसी को रखते हैं, तो नॉर्मली आपको जो जिनको जो अपने एयर पिस्टल यूज़ नहीं करते, वो इनको ऐसे देसी कट्टा बोल लेंगे, जो कि नहीं है, ये अपनी एयर पिस्टल होती है। और लुक वाइज इसका लुक ठीक है, अपने वुडन बॉडी है इसकी, पीछे से इसका ग्रिप है वो वुडन की है। और यहीं अगर अपन ब्लैंका की बात करें, तो इसमें क्लास एक प्रीमियम लुक आता है, कि जैसे अपन को लगता है कि ये एक पिस्टल ही है, अगर कोई मतलब इसको देखे ना, चलाए ना अगर, तो दूर से देखने पर ये ऐसी लगती है कि एक नॉर्मल पिस्टल है ये। हाँ, कि इसको ये रियल पिस्टल के जैसे अपन लोग इसको मान सकते हैं। तो इधर भी अपनी ब्लैंका ही आ गया है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन पावर की, तो गाइस मेन बात यह है कि पावर की अगर अपन बात करें, तो पावर इसमें जो अपनी नॉर्मल ये वाली एयर पिस्टल है, इसमें ज़्यादा है पावर, ब्लैंका के कंपैरिजन में इसमें पावर ज़्यादा है, चाहे आप माने चाहे ना माने। खैर मानो, यही तभी तो वीडियो देख रहे हो। और जो ब्लैंका की पावर है, पावर ब्लैंका की भी अच्छी पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैंका की पावर में, पर अगर अपन इन दोनों की बात करें ना, तो उसमें फिर ये वाली गन बढ़िया है, इसकी पावर ज़्यादा है, ब्लैंका की इससे थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हो गई, वही 19-20 वाला फ़र्क है अपना। तो पावर के मामले में ये अपन को ज़्यादा सही रहेगी, अगर आप पावर के हिसाब से ले रहे हो, अगर कोई गन परचेस कर रहे हो तो पावर तो इसमें इससे ज़्यादा हो गई। और अगर बुलेट प्रोसेस की बात करें अपन, तो बुलेट इसकी जैसे यहाँ पे लगती है मिड पॉइंट, इसका अनलॉक करा, उसके बाद यहाँ इसमें बुलेट लगती है, और इसमें सिर्फ पैलेट ही डाल सकते अपन, इसमें अपन बीबी का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें केवल अपन सिर्फ और सिर्फ पैलेट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर ब्लैंका की बात करें, तो इसमें अपन को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसकी मैगजीन भी यहाँ पे होती है, इसको रिलोड करने पर ही इसकी मैगजीन बाहर आती है, अदरवाइज इसकी मैगजीन बाहर नहीं आती, तो इसकी मैगजीन यहाँ पे होती है। तो इसमें अपन यहाँ ऊपर अपन बीबीज डाल सकते हैं और नीचे अपन पैलेट डाल सकते हैं, तो इसमें अपन को दो ऑप्शन मिलते हैं, यानी मल्टी बुलेट का अपन को ब्लैंका में ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी आप इससे पैलेट भी चला सकते हो और आप इससे बीबीज भी चला सकते हो। और अगर अपन जैसे नेक्स्ट पॉइंट अगर इनका वेट कंपैरिजन करें, इन दोनों का वेट में अगर अगर डिफरेंस होगा ना गाइस, तो इन दोनों के वेट में अराउंड 50 ग्राम्स का ही वेट इनका ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज वेट तो इन दोनों में इक्वल है। थोड़ी सी अगर अपन बात करें, तो ब्लैंका ही थोड़ा सा वेट ज़्यादा है ब्लैंका का, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बाकी दोनों का वेट एकदम इक्वल है। और जैसे बॉडी की बात करें, जो इसका मेन पॉइंट है बॉडी, अब जैसे क्या करते हैं, इसकी जो बॉडी है, ये नीचे इसका जो ग्रिप है वो वुडन की है, और आगे ये अपना पूरा आयरन का है, ठीक है। और वहीं ब्लैंका की बात करें ना, तो ये पूरी मेटल बॉडी में है, लेकिन यहाँ पर अगर
स्ट्रॉन्ग की बात करें ना, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग ये अपनी नॉर्मल एयर पिस्टल है, ब्लैंक का इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर अपन इसको घेर देंगे, जैसे ये नॉर्मल एयर पिस्टल है, इसको अपन कहीं से भी घेर देते हैं, जैसे अपने हाथ से गिर गई, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, ये वैसे की वैसे ही चल जाएगी। लेकिन अगर ब्लैंक का गिर जाती है ना, तो उसके बाद इसकी जो बॉडी है ना वो टूट सकती है। प्रॉपर तो नहीं है, मतलब एकदम अलग तो नहीं हो जाएगी ये, पर हाँ काफ़ी डैमेज हो जाएगा इसमें, ब्लैंका में। ये इसकी थोड़ा माइनस पॉइंट है कि इसकी जो अपना गिरने के बाद इसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाएगी, काफ़ी। तो इसमें बॉडी के मामले में तो नॉर्मल एयर पिस्टल अपनी स्ट्रांग है, दोनों में नॉर्मल एयर पिस्टल अपनी स्ट्रांग है, इसकी पावर भी ज़्यादा है और अपने बॉडी इसकी बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट, अगर कलर की बात करें, लुक की बात करें, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, ये तो अपना नॉर्मली है। और ये अपने ब्लैंका का क्लास पीस आ जाता है, क्लास लुक आ जाता है, जैसे ये मतलब टूटे अपने जैसे अलग से दिख जाती है कि हाँ भाई पिस्टल है कोई। और ये नॉर्मली इसको कोई पिस्टल बोलता नहीं है, कोई टॉय गन भी बोल जाता है कई बार, कोई कट्टा वट्टा भी बोल जाता है, ऐसे खूब देखा मैंने। और अगर साउंड की बात करें, तो साउंड में दोनों में से इसका जो नॉर्मल एयर पिस्टल है ना, तो इसका साउंड ब्लैंका के कंपैरिजन में ज़्यादा है, साफ बात है। ब्लैंका का जो अपना साउंड है वो इससे कम है, ब्लैंका साउंड क्रिएट ज़्यादा नहीं करती है, ये वाली गन बहुत साउंड क्रिएट अपने क्रिएट करती है। ओके, और लास्ट पॉइंट है कॉर्क का, जैसे ये कॉर्क होती है, जैसे अपन साउंड जो चलता है ना उसको और तेज इसका साउंड बढ़ा सकते हैं अपन, तो इस वाली गन में कॉर्क लग सकती है जो अपनी नॉर्मल एयर पिस्टल होती है। पर ब्लैंका में अपन को कॉर्क लगाने का कोई भी ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलता है, अपन ब्लैंका में कॉर्क का यूज़ नहीं कर सकते। कॉर्क क्या होती है, इसको आगे लगाते हैं और फिर जैसे अपन बुलेट चलाते हैं तो ये अचानक फट जाती है, तो ये अपना जो साउंड होता है वो बहुत शानदार साउंड क्रिएट करता है, जैसे एकदम रियल वेपन की तरह साउंड क्रिएट करता है। ओके, और स्कॉर्क पे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे भाई इसका प्रोसेस होता है और क्या काम करती है। तो मेन कुछ यही पॉइंट्स थे अपने जो ब्लैंका और इसमें कंपैरिजन करते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट जो मेन हुआ इसका प्राइस की बात करें, तो ये जब मैंने ली थी ये मुझे ब्लैंका के कंपैरिजन में बहुत सस्ती पड़ी थी। ब्लैंका अपने जो प्राइस है ब्लैंका का वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका प्राइस बहुत कम है, अंडर आपको ये 1000 रुपीज़ के अंदर या फिर अंडर 1500 के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन ब्लैंका है वो मिनिमम आपको 6 से 7.5 हज़ार तक की ही मिलती है। ब्लैंका के क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता ब्लैंका का, जो कंपनी से मतलब आगे से आते हैं वही प्राइस वो बताते हैं। ब्लैंका का प्राइस तो कभी कम भी हो जाता है और बढ़ता भी जाता है, पर अराउंड 6000 से और 7500 के बीच में ब्लैंका का प्राइस रहता है। और वहीं इसकी बात करें तो 1000 से 2000 के बीच में इसका प्राइस रहता है। ओके गाइस, तो प्राइस के मामले में भी ये अपनी बढ़िया है, मतलब चीप कॉस्ट पे मिल जाती है अपन को ये नॉर्मल एयर पिस्टल, और ब्लैंका अपन को थोड़ी महंगी मिलती है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे गाइस जिससे अपन इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, और अब जैसा आपका बजट हो, जैसी आपकी नीड हो, उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी गन ले सकते हैं।